जाएंगे बस के लिए। जंगल बिल्कुल हमारे गांव के साथ ही है जी, ये आप देखें जी, वो चेक करें जी सामने। मैंने डक्स रखी हुई है जी, ये आप जाएंगे बाहर, ये मैंने छत के ऊपर रखी हुई है, अब इनको निकालने लगे हैं बाहर। ये सीढ़ियां उतर के जाती है जी, ये देखें जी वो गई जी, वो चेक करें जी सामने, ये भी चेक करें वो गई वो। ये आप बाहर जा रही हैं जी सारी, और अब मैं अपने डोगी ले के बाहर जाने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इली हक हैदर। अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अपने रूटीन के मुताबिक नमाज पढ़ी है, और काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं जो मेरे डॉग्स हैं उनको मैं टाइम नहीं था दे पा रहा, और आज मैं निकला हूँ अपने डॉग लेके, जा रहा हूँ बाहर इनको सैर के लिए लेके जी। तो चलें आप सबको भी दिखाते हैं जी इंशाल्लाह। अपनी बाइक पे आया हूँ जी इन्हें साथ लेके, ये लैब्रा है, ये इंग्लिश है, और वो सामने आ रहा है जी, ये जर्मन पॉइंटर है जी, ये वाला जी, ये देखें बहुत ही खुश है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये बाहर आए हैं जी। जंगल बिल्कुल हमारे गांव के साथ ही है जी, ये आप देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही सुबह सुबह का बहुत ही प्यारा नज़ारा जी, ये देखें। डॉग के साथ ये है कि सैर भी हो जाती है जी, ये आप देख ही रहे हैं जी पीछे घूम रहे हैं, ये चेक करें जी, अब मैंने इनको बुलाना आएंगे क्लिंटन, ये देखें ये आ गए जी। और मैं तकरीबन मैक्सिमम रोजाना 5 से 6 किलोमीटर जो के सैर करता हूँ जी सुबह सुबह जी, और जो मेरे फ्रेंड हैं उनको पता है कि मुझे शिकार का भी शौक है जी, और आज एक बात की कमी है कि मैं अकेला हूँ, अकेले ही अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये चेक करें जी। ये नई आई है जी अभी, ये जो इंग्लिश है जी, और ये छोटा सा बच्चा था जी। शिकार मेरा शौक है जी, ये मैंने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं जी, और ये सारा जंगल का माहौल है जी, ये बिल्कुल गांव के करीब ही है जी बिल्कुल। पहले मैं वैसे आता था 10-20 मिनट खुद सैर के लिए जी, और आज से ये है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनको पिंजरों में बंद, तो इसलिए फिर इनकी सेहत पे भी असर पड़ता है जी अगर ये बाहर ना जाए जी। देखें जी बहुत खुश हैं जी इस टाइम, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू जी। चले आपको दिखाते हैं आगे, कोशिश तो मेरी यही है, अभी तक तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर जो कि मैं पैदल चला हूँ इनके साथ, अभी तक कोई तीतर नहीं मिला जी, ये आप देख रहे हैं वो घूम रहे हैं जी लगातार। सुबह सुबह उठ के सैर करने का भी मज़ा अपना ही है जी, सुबह सुबह सब नमाज पढ़े, नमाज के बाद 3 से 4 किलोमीटर कि आप सैर करें, और इंशाल्लाह ताला आप फिट रहेंगे जी फिट।
पैदल चला हूँ जी, अब गर्मी लगनी शुरू हो गई है जी। एक मरतबा फिर जनाब आपको बादलों का व्यू दिखाऊं जी। ये अभी वापस ले आया हूँ जी, बंद कर दिए, ये पार्टीशन की हुई है। ये तीनों के तीनों जी, काफी ज्यादा इनको प्यास लगी हुई थी जी, ये देखें। कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर वो फाइबर लगवाना है जी, वो जो प्लास्टिक टाइप का निकला हुआ है इसके ऊपर जी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बारिश से या ये जो आँख पड़ती है इसकी वजह से ये जो डोगी है ये बीमार ना हो जी। आज तो दिन बाद में चढ़ा है और कामों की जनाब इंतहा हो गई है। बच्चों के स्कूल से आई हुई थी कॉल, लेने आया हूँ बच्चों का सिलेबस। आपको पता ही है कि छुट्टियाँ हो गई हैं और जिस स्कूल में आया उस स्कूल का नाम है तेरा ट्रस्ट मॉडल स्कूल परन्यार, और आपको स्कूल का भी मैं व्यू देता हूँ। दोनों बच्चे मेरे साथ ही आए हैं, वो सिलेबस लेने गए हुए हैं अंदर, जब आते हैं आपको दिखाते हैं जी। और ये सामने स्कूल है, ये भी आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें जी। और मैंने अभी फ्रेश भी होना था, आपको पता ही है सुबह सैर के लिए गया हुआ था, साथ में डॉगी भी गए हुए थे। मगर मैंने सोचा कि ये टाइम से काम को क्लियर करूं जी, पहले पहले बच्चों का काम है और उसके बाद कोई और काम करते हैं जी। अभी जाना मैंने वो जो गंदम बोई थी उसकी वो बनिया वगैरह ट्रैक्टर वाला डाल के गया हुआ जी, और ये है कि अब जाके सीधी करनी है, खुद ही वो बनिया सीधी करनी है, ट्रैक्टर वाले ने बनिया बना दी है, अब जाके सीधी करनी है। वो खाल शाल जो पानी लगाने वाला होता है वो क्यारे श्यारे वो सारा सिस्टम करना है जी। अभी मैं और मौसम जाएंगे जी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। निगाहें ढूंढ रही हैं तुझको, निगाहें ढूंढ रही हैं तुझको ऐ नुसरत, अब तेरे बिना वक्त गुजरता नहीं। ये देखिए जी कायनात का रिजल्ट भी आया, ये भी चेक करें जी, ये आपके सामने ये गुड मिली है, उसे 95% नंबर है। और ये अभी दोनों बच्चे आए हैं और ये एक छोटी बेटी है हमारी दुआ, उसका ये सिलेबस है, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी सारा इस इनके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म का सिलेबस ही है जी। और अब मैं निकलने लगा हूँ वापस, इंशाल्लाह ताला बकाया एक्टिविटी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये लें जी, अब हम अपने पहुँच आए हैं ज़मीन में, अपने खेत में। ट्रैक्टर वाला बनिया तो बना कर चला गया, मगर ये सीधी करने वाली रह गई है जी। तो चलें आपको दिखाते हैं किस तरह ये सीधी करनी है जी। और जनाब एक मज़े वाली बात के मैं अपने खेतों का जो काम है मैं खुद ही करता हूँ, खुद ही हैंडल करता हूँ, खुद ही अपने हाथ से जनाब। बड़ी ये देहात का कल्चर है जी, इसके ऊपर चारा लेके जाएंगे भैंसों के लिए।
माशाल्लाह जी। अगला ले आ गया, बॉर्डर क्रॉस करो। ये देखें जी, बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं। माशाल्लाह जी, काम हो गया कंप्लीट, आप देख सकते हैं। और ये जो खाली है, इसमें हमने पानी भी लगा दिया, ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि पानी इसलिए लगाया है कि यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर वाले हैं, उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था यहाँ पे, ये आप देखें। और गंदम तो बो दी गई है, खुद भी इनको समझ नहीं आती। ये भी देखें, ट्रैक्टर जो कि गुजरे हुए हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, पानी लगाया ताकि इनको पता चल जाए कि अब इस ज़मीन में बीज है और ये काम ठीक नहीं, अब हमें यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। और ये देख सकते हैं आप, सारी कंप्लीट हो गई हैं, जो थोड़ी थोड़ी सी थी, थोड़ा सा काम था, मगर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया सारा अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से जी। इसका व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात राम जलालपुर चट्टा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।